चलिए बच्चों, आज की क्लास में बात करते हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रायंगल के अंदर थ्री साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये हमारी जो है वो ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। और एक ट्रायंगल के अंदर तीन ही एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीन एंगल हैं। और वर्टिसेस, तीन वर्टेक्स होते हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इसके अंदर तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिसेस हैं। एक ट्रायंगल के अंदर यदि यहां से इसके बेस पे, यानी कि ऊपर वाले वर्टिसेस से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होती है। हाइट ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट को, डी जो है हमारा मिड पॉइंट है बीसी का, यदि इस मिड पॉइंट को वर्टिसेस से, इस वर्टिसेस ए से ज्वाइन किया जाए तो ये जो है हमारी मीडियन हो जाएगी। तो इस केस में बीडी जो है वो इक्वल है डीसी के, और एडी जो है मीडियन है इस ट्रायंगल की। मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल को हम एंगल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो एंगल के आधार पर यदि ट्रायंगल को डिवाइड करें और तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल हों, तो ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगा एक्यूट ट्रायंगल।
और यदि ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये मोर देन 90 है तो ये ट्रायंगल जो है वो कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। और यदि ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो इस ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हमने ट्रायंगल को जो है एंगल्स के आधार पे डिवाइड किया है। यदि तीनों एंगल जो है एक्यूट है तो वो एक्यूट ट्रायंगल, और एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल।